प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्भाई आने की संभावना से क्षुधा तृष्णा एवं निद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाते जा रहे हैं, तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्भाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जम्भाई आने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, पचास बार, नहीं अनवरत रूप में उन्हें जम्भाई पर जम्भाई आने लगी। जब जम्भाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से उनका मुख खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबराई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, माता के कई भाई भरत, भाई लक्ष्मण और भाई शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सभी ने प्रभु श्री राम का मुख खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार भी बंद ही नहीं हो पाता है। राज्य के प्रमुख चिकित्सक दौड़े, उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु भक्तानुकंपी लीला नायक जगदाधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुख खुला का खुला ही रह गया। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता के कई तीनों भाई, माँ भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी पहुँचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुख खुला होने से कुछ बोल ना सके। नेत्रों से आंसू भी बहते जा रहे थे। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उन्होंने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़े रहे या वीरासन बैठे रहे। अपनी इस सेवा के लिए उन्होंने भोजन और शयन की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गए। वे दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहे होंगे। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े, देखा प्रभु शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ जी के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर वज्रांग बली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी ने प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शीशों की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को अतिशय स्नेह से कहा, पुत्र हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जग जननी माँ जानकी जी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखिल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेह पूर्ण कर कमल स्वतः हनुमान जी के मस्तक पर चला गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, भावुक भक्तों और कथा वाचकों द्वारा कही जाने वाली यह तीसरी कथा भी मनोरंजक तो है ही, इससे भगवान श्री राम के नाम की महिमा भी प्रकट होती है और यह भी विदित होता है कि प्रभु श्री राम नाम प्रेमी हनुमान जी अपने आराध्य के नाम जापक की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम का अमोघ शर भी झेल लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अत्यंत संक्षेप में कथा इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी अपने परम प्रभु श्री रघुनाथ जी से राजभोग के अनंतर अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे, उसी समय काशी नरेश श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनसे देवऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवऋषि के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तुम कहाँ जा रहे हो, नारद जी ने काशी नरेश से पूछ लिया। प्रभु मैं परम प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ उनकी राज्यसभा में जा रहा हूँ। काशी नरेश का उत्तर सुनते ही देवऋषि ने पूछा, मेरा एक कार्य करोगे? धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत दौड़ा ना पड़े? नरेश ने तुरंत कहा, आप आज्ञा प्रदान करें प्रभु। कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी ने नरेश जी से कहा, तुम राज्यसभा में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। ऐसा क्यों भगवान? काशी नरेश ने प्रश्न किया। तब नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर पीछे मिल जाएगा। नारायण हरि, नारद जी बोले और इधर काशी नरेश श्री राघवेंद्र की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवऋषि के आदेशानुसार श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। पीछे उन्होंने सीतापति श्री राम से कहा, श्री राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। मेरे रहते कब और कहां मर्यादा का उल्लंघन हुआ प्रभु? आश्चर्य के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा। आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। आज ही राज्यसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। विश्वामित्र जी जैसे अशांत हो गए थे। मेरी राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध नरेश की भ्रुकुटी वक्र हो गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष मैं अपने तीन तीक्ष्णतम शर पृथक रख दे रहा हूँ। इन तीनों शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। इन तीनों शरों से आज संध्या तक काशी राज मारा जाएगा। परम प्राकर्मी सत्यव्रती रावणारी की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया।
जीवन से सर्वथा निराश वे दौड़े देवऋषि नारद के समीप और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भगवान सत्य प्रतिज्ञा श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवऋषि नारद जी ने तथस्थ की भांति उत्तर दिया और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक होम देने में आपत्ति नहीं होती। प्रभु मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। काशीराज रो पड़े, जैसे भी हो आप मेरा प्राण बचाइए। चिंता की बात नहीं, नारद जी ने काशी नरेश को समझाया, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के शर से प्राण पखेरु उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए, किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे तीन बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। परम पावन देवऋषि के चरणों में प्रणाम करने की भी काशी नरेश को सूधी ना रही। वे भागे सीधे माता अंजना के यहाँ। माता अंजना बैठी हुई भगवान नाम का जप कर रही थी। रोते कल्पते काशीराज माता के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माता मेरी रक्षा करो, आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माते, रक्षा करो। माता ने पूछा, किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या तक पूर्व ही मार डालने का प्रण कर लिया है? माता ने प्रश्न किया तो काशीराज और क्रंदन करने लगे। बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग कर दूंगा। मेरे रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, वात्सल्यमयी सरलता से जननी ने कह दिया। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की, माता मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास के लिए तुम यही बात तीन बार कह दो। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ, सर्वथा सरल दयामयी माँ जननी ने तीन बार कहते हुए पूछा। अच्छा अब तो बता दो, तुम्हें मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? भगवान श्री राम ने, नरेश ने उत्तर दिया। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने तीन तीक्ष्ण बाण भी निकाल कर अलग रख लिए हैं। श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? माता अंजना चिंतित हो गईं और बोली, पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देती हुई माता ने कहा, पुत्र तुम ठीक समय पर आए, अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा स्मरण कर रही थी, वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए, आज्ञा दीजिए। माताजी, हनुमान ने कहा, आपका कार्य करने के लिए मैं प्रति क्षण प्रस्तुत हूँ, पर काम तो कठिन है पुत्र, इसी कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना के वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं
उस पर निखिल भुवनपति श्री रघुनाथ जी की अपार करुणा की वृष्टि भी निरंतर हो रही है। आप आज्ञा प्रदान करें। यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता ने कहा, किंतु उसकी चिंता भी मुझे सता रही है। माताजी, आपके पवित्रतम चरणों के सम्मुख मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना कठिन होगा मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी जननी के सम्मुख यूं 3 बार कहा। तुमसे मुझे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था पुत्र। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मात्र भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र मैंने काशी नरेश को उनकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री रघुनंदन ने उनका वध करने की प्रतिज्ञा कर ली है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण शर भी निकाल कर रख लिए हैं। माता अंजना अपने पुत्र का मुख देखने लगी। हनुमान जी गंभीर हो गए थे और बोले, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। पर पुत्र, मैं काशीराज को वचन दे चुकी हूँ। माता ने पुत्र को विचार मग्न होकर देखकर कहा, और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है पुत्र, और धर्म पालन तो कुछ करूंगा ही माँ। हनुमान जी ने माता के चरणों में मस्तक रखकर कहा, आज सायंकाल तक ही अवधि है, अतएव मुझे शीघ्र ही जाने की अनुमति दीजिए। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के पास अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से कहा, तुम सकल कलुष नाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, स्वामी आज मैं आपसे 1 वर की याचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निष्प्रह और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें? श्री राम जी ने उत्साह पूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदय कुछ नहीं। हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, आज तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु का चरण सहलाते हुए कहा, करुणामय स्वामी, चाहता हूँ कि आपके अनित्य महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो जाए। दयामूर्ति भक्त वत्सल श्री राम जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु चरणों पर मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी और अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर बद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनुव्रत रूप से राम राम का जप कर रहे थे
और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध युवा नर नारी कुतूहलवश सरयू पुलीन पर पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए वहां विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चला था। यह समाचार सत्यव्रती श्री रघुनाथ जी को भी मिला। भगवान श्री राम कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए तीनों शरों में से एक शर उठाया और उसे अपने विशाल धनुष पर रख कर खींचा और शर छोड़ दिया। शर अत्यंत शीघ्रता से नरेश के समीप पहुंचा, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु के समीप लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की रक्षा के लिए आपने मारुति को वर प्रदान किया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह निरंतर राजा आपके नाम का जप करता है और वज्रांग बली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में सन्नद्ध हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। भुवन पावन लीला वपु श्री राम का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने दूसरा शर धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी, किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेशानुसार सीता सहित नाम सीता राम का जप कर रहे थे। दूसरे शर को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। विवशतः वह भी प्रभु के समीप लौट आया। उसने भी राजा के सीताराम रटने और गदाधर हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृतांत सुना दिया। मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस ध्रष्ट नरेश और हनुमान को मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरद रखते हैं, भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने राजा से कहा, अब तुम माँ भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना शुरू कर दो। राजा जय सियाराम जय जय हनुमान का जप करने लगे। अत्यधिक देर से जोर जोर से तप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहस पूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला रहे थे, किंतु मात्र भक्त हनुमान जी अपने एक अंश से काशी राज के कंठ में प्रविष्ट होकर स्वयं जय सियाराम जय जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम जय जय सियाराम। क्रोधारुण लोचन श्री राम को शर संधान किए आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा हो सकती है और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के समीप पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उनको समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार, श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। दिनांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। यह राजा तो उन प्रभु श्री राम के पवन शर स्पर्श से
जन्म जरा मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक सेवक के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़े हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदापि उचित नहीं हनुमान। गुरुदेव, मैं त्रिकाल में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, मैं तो अपने परम प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम नाम एवं उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं के शराघात से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। वशिष्ठ जी ने देखा श्री रघुनाथ जी स्वयं सरयू तट पर पहुंचना ही चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशी राज जी से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज दयालु हैं। जय सियाराम, जय जय हनुमान का जप करते हुए काशी राज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि आर्द्र हो गए। वे रोते हुए कहते जा रहे थे, जय सियाराम, जय जय हनुमान। महर्षि द्रवित हो गए। उन्होंने शर संधान किए क्रुद्ध श्री राघवेंद्र से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ शर धनुष से उतार कर तोरण में रख लो। महर्षि के संतुष्ट होते ही प्रभु श्री राम का क्रोध स्वतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तोरण में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान विजय हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा ना रही। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। परमात्मा तत्वोपदेश की प्राप्ति। जब प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद घन अद्वितीय और निखिल सृष्टि के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम कोटि सूर्य समप्रभा भगवान श्री राम राज्याभिषेक हो जाने पर वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषियों से घिरे माँ भगवती सीता के साथ सिंहासनासीन हुए, उस समय भोगेच्छा रहित प्रतिदान शून्य परम सेवा के साकार विग्रह अंजना नंद वर्धन पवन कुमार को करबद्ध अपनी और अनिमेश दृष्टि से निहारते हुए देखकर श्री राघवेंद्र ने अपने हृदयाधिकारिणी प्रियतमा माँ भगवती सीता से कहा, विदेही नंदनी, यह हनुमान हम दोनों में अनन्य भक्ति रखने के कारण सर्वथा निष्पाप और ज्ञान प्राप्ति का योग्यतम पात्र हैं, अतः इन्हें मेरे तत्व का उपदेश प्रदान करें। अपने स्वामी परम प्रियतम का आदेश प्राप्त कर सृष्टि स्थिति संघारिणी जनक नंदनी शरणागत परम पावन आंजनेय को